राजस्थान के एटरू नगर पालिका स्थित ग्राम खेड़ली में किसानों की फसल खराब को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। एटरू थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ली में आज किसान पंचायत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें किसानों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें धर्मा धाकड़ कड़े अर्बन सरपंच ने शिरकत कर पंचायत को संबोधित किया व किसानों को मुख्य समस्याओं से अवगत करवाया। वहाँ फसल खराब की मांग उठाई गयी। साथ ही खेड़ली निवासी भगवती प्रसाद नगर ने बताया कि ग्राम पंचायत बरला पटना व खेड़ली का फसल खराब का मुआवजा नहीं मिला है, जिससे इन सभी गांव के किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग रखी है। वहीं आगामी 26 जनवरी को किसानों का छबड़ा उपखंड पर महापड़ाव की चेतावनी दी है। पूर्व में धरती पुत्रों ने प्रशासन को उक्त समस्या से अवगत करा दिया था, जो कि धरती पुत्रों के अनुसार आश्वासन मात्र रहा और अभी तक प्रशासन द्वारा इन धरती पुत्रों की कोई संभाल नहीं ली गई है। कार्यक्रम में लालचंद नागर, जीतू नागर, पवन नागर, कालू नागर, रामनिवास बेरवा, वरदान मल नागर उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं जो टीवी भारती समाचार और मैं बात कराऊंगा धर्मा धाकड़ जीसु जो कि धरती पुत्र छ, किसाना की समस्या लेर आज अट्रू खेड़ली में ये पधारे छ और जानने आया छु के काई काई समस्या किसाना की छ और याने काई काई प्लानिंग कर रहे की आगे के कारण। जी भाई सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद जो किसाना की आवाज उठा रहे हो, ना तो बाकी चीजें तो दिख चुकी है। समस्या और समाधान दोनों अलग अलग प्रारूप है। समस्या तो माँ की बीमा क्लेम और मुआवजो, समाधान माँ की क्रांति है। तो आपने थोड़ा दिन पहले भी वहाँ से बड़ा बहुत बड़ो आंदोलन करो जो और जिला का लगभग सभी अधिकारी गण और नेता गण भी आप आश्वासन दे पाए जा, तो आश्वासन के बाद कहीं कहीं वहाँ प्रतिक्रिया दी आपके कहीं या आप ऐसे ही परेशान होता रहेगा कहीं दिक्कत से मतलब? देखो वो आश्वासन जो माने आश्वासन तो लेनो ना, आश्वासन नेता नादरी देता रहेगा कि सरकारी नुमाइंदा जो माँ का नौकर है, माँ का टैक्स का पैसा से जहाँ को भुगतान हुआ है वो माँ भी आश्वासन दे रहा है, जबकि वहाँ को काम है सजग प्रहरी की तरह माँ को काम करवा। ये धर्मा धाकड़ का किसान पुत्र का ये कटाच शब्द आप ही डीवी भारती समाचार का माध्यम से दिखाया जा रहा है, और भी जानकारी लेता रहेगा क्रांतिकारियों से आगे 26 जनवरी को कई प्रोग्राम था आपको? देखो 26 जनवरी माँ की विशाल जाजम है जिसमें राजस्थान का कोना कोना सा सजग क्रांतिकारी आ रहा है, आर पार की लड़ाई को आगाज हो जो अगर समय रहता सरकार न चेती तो हलक में हाथ डाल कर डीमो क्लेम लेना और सूद सहित लेना जिसका माध्यम। आप भी मतलब 2 साल हो गया लगभग, 2 साल से आप भी कोई मुआवजा नहीं मिला? 2 साल नहीं, आगामी 7 वर्षों से निरंतर हमारा क्लेम सबमिट होता आ रहा है। 2 वर्षों से हमारी अतिवृष्टि से फसलें नुकसान हुई है, 2 वर्षों से मुआवजा मिलना तो मिलना, बीमा क्लेम मिलना तो मिलना। बीमा क्लेम की हालत ये हो चुकी है कि जिसका किसान का क्लेम 10,000 सबमिट हुआ उसको 80 पैसे आ रहे हैं, तो बताइए इसे क्लेम। धर्मा धाकड़ जी बता रहे थे कि जो किसानों को मुआवजा आ रहा है वो एकदम अनियमित रूप आ रही है, जहाँ 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या 10,000 रुपया बीघा से आनो जो वो 2 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया हिसाब से आ रही है, तो काफी अनदेखी और अनियमितता ये किसानों का जो मुआवजा है ये मुआवजा में देखी जा रही है, और आप भी माँ मिलवाता रहेगा और भी बाधा करता रहेगा किसानों की और भी समस्या से अवगत कराता रहेगा। बने रही जो डीवी भारती समाचार पर, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।